हम किस प्रकार से हमारे जो मतलब फोटो या फिर वीडियो या फिर कोई भी फाइल है उसको अगर हम हाइड करना चाहें तो कैसे हाइड कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल सिंपल से स्टेप्स मैंने आपको बताया गाइस, मतलब काफ़ी इजी है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो गाइस यहाँ से हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। गाइस फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन लॉक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है और मैं चलिए गाइस फिंगरप्रिंट के साथ अनलॉक कर लेता हूँ। तो इट्स यहाँ पर मतलब खाली है, ठीक है। तो इसके गाइस यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो फोल्डर ऐड कर सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ से आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो फिंगरप्रिंट को रिमूव कर सकते हैं, आप फिंगरप्रिंट के साथ इसको एक्सेस नहीं करना चाहेंगे। चेंज पिन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आप अपने पिन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो गाइस आपको हाइड करनी है, तो चलिए गाइस यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, चलिए हम डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं। तो गाइस मेरे को ये एक इनवॉइस है जो कि हाइड करनी है 15 MB की। तो गाइस इस पर मैं प्रेस एंड होल्ड रखूँगा, सिलेक्ट हो गया ये, तो यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा और मूव टू लॉक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक बॉक्स के अंदर पहुँच जाती है। इसी प्रकार से गाइस यहाँ से हमको फ़ोटो अगर हमारे जो हैं उनको हम लॉक करना चाहें, तो चलिए गाइस मुझे अगर ये वाले फ़ोटो लॉक कर रहे हैं तो गाइस मैं इसको प्रेस एंड होल्ड रखूँगा, सेलेक्ट करूँगा। गाइस मैंने यहाँ पे चार फोटो सेलेक्ट किए हैं, थ्री डॉट पे मैं क्लिक करूँगा और मूव टू लॉक बॉक्स पे क्लिक कर दूँगा। तो गाइस ये चार जो जो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किए थे ये अब आपके जो लॉक मतलब जो आपका लॉक बॉक्स है उसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो हो रही है, ऐसी इतनी स्लो प्रोसेसिंग होनी नहीं चाहिए, चलो हो गई। तो गाइस इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये लॉक बॉक्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं और कैसे इनको हम एक्सेस कर सकते हैं और कैसे इनको हम अनहाइड कर सकते हैं। तो लॉक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से गाइस आप चाहें तो अपना पिन डाल सकते हैं, तो मैं अपने पिन के साथ इसको अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने आपके फ़ोटोज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आप इनको इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर गाइस आप इनको अनहाइड करना चाहेंगे तो गाइस उसके लिए आपको सिंपल तरीके से इस पर मतलब प्रेस करना है सारी चीज़ों को और यहाँ पे गाइस आपको आप चाहें तो इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो मूव इनटू फोल्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और मूव आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मूव आउट हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे हम एक सिंपल तरीके से इंटरनल स्टोरेज को चूज़ करेंगे और यहाँ से इसको हम मूव कर देंगे। तो गाइस ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे मूव हो चुकी हैं, आई थिंक आपको यहाँ पे कहीं देखने को भी मिल जाएंगे ये फोटोज़, ये आ गए। तो गाइस इस प्रकार से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला फीचर पसंद आया होगा कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर आपके फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, फाइल को हाइड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स रहता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब